हेलो भाई, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, खुशहाल होंगे। देखिए, पिछले 2-3 वीडियो लगातार मैं शिवसेना के ऊपर बना रहा हूँ, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ वैसे कांड या कहूँ मैं ऐसी हरकतें कर रही है जो बर्दाश्त नहीं हो रही, जो लिटरली हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। अफसोस की बात यह है कि एक्टर्स इनके सपोर्ट में आ रहे हैं। खैर, तो लोगों ने मुझे कहा कि सार्थक भाई, एक वीडियो ऐसे बनाओ आप जिसमें सबको लपेटो। और मैं आपको लिटरली बता देता हूँ, मैंने 2-3 वीडियो में इनको गालियाँ भी दी हैं, लेकिन इनको फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों, शिवसेना के सपोर्टर जो हैं, कमेंट है वो तो मैं पोस्ट नहीं होने देता, क्योंकि आपको पता है मेरे पास, मैं हेटेड वाले कमेंट्स नहीं पोस्ट होने देता। ये सारे हमारे देश को 2-3 कमेंट ऐसे था जो मैंने पोस्ट नहीं होने दिए, क्योंकि फिर आप लोग उनको रिप्लाई करते हैं और वो फिर ये चाहते हैं कि ये लोग ना पब्लिसिटी में आए। मैं की गेम समझता हूँ, ये पाकिस्तानी भी 2-3 ऐसे हैं जिनमें ये होने नहीं देता। तो वो जो कुणाल कामरा के एजाज खान के सपोर्टर करते थे मेरी वीडियो आके, अब शिवसेना के सपोर्टर करते हैं, कहते हैं इस देश में सिर्फ शिवसेना वाले रहेंगे, बीजेपी को मारेंगे, बीजेपी के सपोर्टरों की गर्दनें काट देंगे, ये सब कमेंट्स कर रहे हैं मेरे को डीएम्स में। एक बंदे ने मेरे को इंस्टाग्राम पे कहा कि तू शिवसेना के खिलाफ बोलेगा तेरा भी वही हाल होगा जो कंगना का हुआ है। मैंने, क्या हाल हुआ है कंगना का? कंगना तुम्हारी बहन चौधरी है, तुम्हारी बहन चौधरी कंगना तो शिवसेना की है। कल एलजी से मिली हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि उनके पास बहुत बड़े बड़े राज हैं उनके पिटारे में। आज वो फिर मेरे ख्याल है कि वो फिर से आज मनाली चली गई हैं। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन खैर, शिवसेना के ऊपर बोलने से पहले, और आज मैं एक शख्सियत और हैं जिनको आज मैं ज़रूर एक बार जवाब दूंगा, और वो है हमारी प्यारी अक्षय कुमार जी की वाइफ ट्विंकल खन्ना जी। वो इस तरीके से आजकल बात कर रही हैं जैसे होता ना कि कोई बड़ा सेलिब्रिटी हो जो मंच पे आता है कि जब दो शब्द आप बोलिए बड़ा एहसान करके, अरे आपने, आपको सुनना है? किसी ने, कोई सुनता है आपको? कोई जानता नहीं आपको? कोई नहीं जानता। अक्षय कुमार की धर्मपत्नी के नाम सब जानी जाती हैं इस देश के अंदर, इतनी ही आपकी जो है वो इतनी ही आपकी प्रेजेंस है इस देश में, बस और कुछ नहीं है। खैर, मैं आपको जवाब दे दूँ। हाँ जी, तो सबसे पहली बात तो यह है कि जिस बात से मैं आगाज करूंगा कि श्रीशांत हमारे जो क्रिकेटर हैं, पूर्व नहीं कहूंगा क्योंकि वो रिटायर नहीं हुए हैं, उनके ऊपर से कल बैन हट चुका है, जो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इस देश की देखिए हिपोक्रेसी देखिए, जिस बंदे पे आज तक बैन साबित नहीं हुआ था उसके लिए तो हम रोए नहीं, और जिस स्टीव स्मिथ और वार्नर जिन्होंने बॉल टेम्परिंग करी थी, जिन्होंने खुद अपनी गलती मानी, माफिया मांगी, उनके ऊपर 1 साल का बैन लगा, उनको हमने हीरो करार दे दिया, फाइटर करार दे दिया। अरे ऐसे ना, कैसा क्या, कौन सी गेम्स क्रिकेट का काम किया था, स्पोर्ट्समैनशिप का ऐसा कौन सा उन्होंने कोई एग्जांपल आपके सामने रखा था जो उनको हीरो बोल दिया आपने? गलत काम के लिए उन पर बैन लगा, और एक बहुत कम लगा, वो भी अगर ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट नहीं आती बीच में तो लगता भी नहीं। क्या, लेकिन श्रीशांत के ऊपर बैन हट चुका है। श्रीशांत ने साफ कह दिया है कि 4 से 5 साल, 5 to 7 years उनके पास हैं अभी भी, और वो बिल्कुल परफॉर्म करेंगे। और मैं चाहता हूँ बहुत जल्दी इनको वापसी फील्ड पर देना, क्योंकि एक टाइम में मेरे फेवरेट बॉलर थे, क्योंकि इनके ऊपर इतना गंदा बैन लगा कि किसी स्टेडियम में तो क्या, किसी ग्राउंड के अंदर भी नहीं जा सकते। इन्होंने हमको बताया था कि श्रीशांत ने एक प्रोग्राम में कि ऐसा बैन इनके ऊपर लगा था कि अगर इनका बच्चा ग्राउंड पर क्रिकेट खेल रहा है तो ग्राउंड में कदम नहीं रख सकते। तो इतना गंदा बैन जब लगता है किसी, वो भी जब साबित नहीं हुआ, तो मैं समझता हूँ कि, और यहाँ हम सपोर्ट नहीं करते वहाँ सपोर्ट करते हैं, तो ये समझता हूँ कि मैं, ये सबसे बड़ी हिपोक्रेसी है, ये हमको यहीं सुधारना चाहिए। हम अपने लोग को जो है काटने में लगते हैं, हम सपोर्ट नहीं करते उनको। खैर, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, तो पहले तो बात तो मैं ट्विंकल खन्ना जी का जवाब दे दूँ। ट्विंकल खन्ना जी ने क्या कहा है, पहले वो सुनते हैं। ट्विंकल खन्ना जी ने कहा है कि एक लड़की को पीछे मीडिया पड़ गया है, और 130 करोड़ लोगों के जानकारी से आप लोग खेल रहे हैं, मतलब 130 करोड़ लोगों की लाइफ मैटर ही नहीं करती है। देखिए,
130 करोड़ लोगों में से कितना लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, है जी, और उनमें से उनको आप दबाने का काम करती हैं। अभी आप देखिए, ये आप नेपोटिज्म के खिलाफ नहीं खड़ी होंगी क्योंकि अभी आपके बच्चे भी आने हैं, उनको भी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन मैं उन सबको छोड़ता हूँ, मैं भी की बात करता हूँ। आप सुशांत के ऊपर बोल रहे हैं, सुशांत के केस के ऊपर क्यों मीडिया ज़्यादा भाव दे रहा है और कोई टॉपिक नहीं है कि देश के ऊपर क्यों रिया के पीछे पड़ गए, रिया के पीछे पड़ गए। देखिए, खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, मैं ज़्यादा ना बोलूँ, अगर सुशांत की जगह अक्षय कुमार जी होते और उनके लिए आप लड़ रही होती जैसे उनका परिवार लड़ रहा है, और पता लगता कि सुशांत की तरह ही किसी करीबी नहीं अक्षय कुमार जी के साथ वो किया है, उनके खिलाफ आप लड़ रही हैं, आपका परिवार लड़ रहा है, उस बंदे के खिलाफ ट्रायल चलते तो भी आप ये कहती हैं नहीं ना, आपका परिवार सलामत है, लेकिन किसी बाप ने अपना इकलौता बच्चा खोया है, समझे, इकलौता लड़का खोया है, और वो लड़का जो कामयाब था, जो इतना डाउन टू अर्थ था, वो लड़का जो गेम डेवलप कर रहा था, वो लड़का जो बहुत सारी अच्छी चीज़ें करता है जो आपके पति दिखावे के लिए करते हैं और आप जो है दिखावे के लिए करती हैं, दिखावा, यस, दिखावा के लिए करती हैं आप लोग, समझे ना। अगर फौजी गेम की असलियत सामने आ जाएगी तो आप लोग वैसे एक्सपोज हो। मैं नहीं कहूँगा इसको आप बायकॉट करें ना, बिल्कुल नहीं कहूँगा, इंडियन है, लेकिन इस पे अक्षय कुमार जी को सारा क्रेडिट देते ना, मैं नहीं समझता कि अच्छी बात है, कि अब तो साबित होनी चाहिए कि गेम कौन सी, क्योंकि हमने कभी नहीं सुना कि अक्षय कुमार जी किसी गेम पे काम कर रहे थे। जिस दिन पबजी बैन हुई उसके अगले दिन ही गेम आ गई, और हम सबको पता है कि सुशांत सिंह गेम पे काम कर रहे थे। खैर, क्या ना मतलब यह है कि ये चीज़ें ना अच्छी तभी लगती हैं जब अच्छे मुँह से बोली जाए। आप लोग तो वैसे ही इतने देश के खिलाफ बोलते रहते हो ना, आप लोगों के मुँह से बात अच्छी लगती भी नहीं। आपकी अगर दम है तो चलिए मैं ये बात पूछता हूँ, चलिए कि और कोई न्यूज़ ही नहीं है, तो पद्मावत के टाइम पे क्या हो गया था, जब आपका पूरी इंडस्ट्री, आप लोग झुक गए थे, हाँ जी, कि नहीं पद्मावत रिलीज़ करो, पद्मावत के ऊपर बैन लगना चाहिए, इस पिक्चर को खारिज नहीं होनी चाहिए, ये पिक्चर में लगे पिक्चर रिलीज़ हो, ऐसा आप लोग झुक गए थे, पूरी इंडस्ट्री एक तरफ खड़ी हो गई थी संजय लीला भंसाली की क्या कहते हैं सपोर्ट में, तब तो आप लोगों ने नहीं कहा, तब भी मीडिया यही चला रही थी पूरे पूरे दिन, कुछ लोग तो सपोर्ट में थे इस मूवी के, कुछ मीडिया वाले। तो कहने वाला ये है कि पहले आप अपने असलियत झाँक के देखिए, आप खुद कहाँ स्टैंड करती हैं, कहीं नहीं। आप जैसे लोग आज सौरभ भास्कर हों, आप हों, मतलब जब देखिए भगवान ने कहते ना कि अच्छी शक्ल नहीं दी तो अच्छा बोल लो, अब माशाल्लाह आपकी आपको इतनी अच्छी शक्लें दी हैं कुदरत ने, तो बात ही अच्छी करा करो ना यार, तुम्हें रिया चक्रवर्ती में क्या फ़र्क रहा फिर। बड़े कंट्रोल से मैंने इनको जवाब दिया है, वरना मैं बहुत कुछ बोल सकता था। खैर, हाँ जी, तो शिवसेना वालों, मैं तुम्हें बात बता दूँ, रंडी के बच्चों, बहुत होगा तुम्हारा, अब मैं बता दूँ आपको, शिवसेना वालों ने कहा है कि जो नेवी ऑफिसर को मारा इन्होंने, जो नेवी ऑफिसर को मारा पीटा, उन्होंने कहा है कि ये अभद्र भाषा का जो है प्रयोग करती थी तो कंगना, क्योंकि उन्होंने तू बोल दिया, तो तू बोलना अभद्र भाषा का प्रयोग हो गया। दूसरी बात, जो कार्टून हम बनाए हैं वो देश को बांट रहा है, कार्टून, इन्होंने कहा है कि देश को कार्टून बांट रहा है, कहाँ से बांट रहा है, सोनिया गांधी के अगर उधर ठाकरे नीचे उनके हाथ जोड़ के खड़े हैं सोनिया गांधी के, तो इनमें क्या है देश को बांट रहा है, तुम्हारी असली बता रहा है माधर चौधो, शिवसेना वालों, चूतियों, भोसड़े वालों, घटिया लोगों, देश को बेचने वाले दलालों, हिजड़ों, अपनी माँ बहनों को, तुमने अपनी माँ बहनों की इज्जत रखी नहीं, आराम जादो शिवसेना वाले, तुम कहे कि हिंदू पार्टी बन रहे हो और कार्टून से इतनी दिक्कत है, तो तुम फिर तो बाला साहब ठाकरे के तुम क्या लगते हो, तुम कोई, मेरे को लगता है कि ना इसको बाला साहब ठाकरे उधर ठाकरे को ना सड़क पर उठा के लेके आए थे, मंदिर की सीढ़ियों से या शायद मस्जिद की सीढ़ियों से उठा के लेके आए थे, तभी ये जो है ना वो कहते ना कि अपना खून जब गंदा निकल जाए तो ऐसे होते हैं फिर, जिनके खुद के, देखिए बाला साहब ठाकरे ने कितने उनके कार्टून ने राजनीति बदल दी थी हिंदुस्तान की, हैं, उनके कार्टून का इतना इम्पैक्ट था, और ये हरामजादे जो है नाम मिट्टी में डुबोने का लगे हैं, सनातन धर्म का, हिंदुओं का, बाला साहब ठाकरे का, अपने पूर्वजों का, और बात करते हैं ये मराठा की, हाँ जी, बात करते हैं ये शिवाजी की, तो इतनी इतनी
इतनी जो तुम अपनी औकात दिखा रहे हो बहन के लड़ो संजय रात को बात बोल दो भोसड़ी के, मेरी बात सुन लंडी के बच्चे, मेरी बात सुन, तेरी गांड मारूंगा मैं। तू हरियाणा, तुम कहीं का भी होगा, ये कहीं का भी होंगे, देखिए हरियाणा वालों को ये समझते हैं कि बहुत हल्के में, संजय राउत बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, मानता हूँ इसको, इनकी औकात सिर्फ महाराष्ट्र में भी है, सिर्फ महाराष्ट्र में ही है, सिर्फ महाराष्ट्र में। ये इन नॉर्थ इंडिया आए ना, अगर इनको पता लगेगा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब ये जाटों से मिलेंगे यहाँ पता लगेगा कि क्या है क्या नहीं है, ये आज बोलते हैं हैं जी, तो इनको पता लगेगा कि ये कितना कितना जो है कि ये कहाँ स्टैंड करते हैं। अपने घर में कुत्ता भी शोर होता है और तुम कुत्ते से भी घटिया हो, माधर चौधो तुम ऐसे कुत्ते हो जो सोनिया के आगे से पूछ लाते हो। भोसड़ी वालों, तुम्हारे पूर्वज जो है अपनी मर गए लेकिन अपनी गर्दन नहीं झुका सोनिया के आगे, तुम लोग वहाँ झुका रहे हो और तुम लोग सबसे बड़े घटिया लोग हो। माधर चौधो, शिवसेना वालों, भोसड़ी वालों, अपनी औकात में रहना हमेशा, क्योंकि तुम्हारी इतनी मैया चूदेगी ना, इतनी मैया चूदेगी ना रंडी के बच्चों, तुम्हारी ऐसी हालत होगी तुम्हें कोई पानी डालने वाला नहीं होगा तुम्हारे मुंह पे जब तुम मर रहे होगे तो, समझे। भैन के लौड़े कहीं के, और माधर चौधो भैन के लौड़ो, तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि तुम अपने हिंदू को बांट रहे हो, अपने हिंदू को काट रहे हो, आराम सा तो अपने हिंदू काटने में लगे हैं लोग। हाँ, संजय रात ने जी साफ कह दिया है कि चिट्ठी लिखी है कि रिपब्लिक टीवी को दूर रखो, रिपब्लिक टीवी को दूर रखो, क्यों रखे, तुम्हारी गांड मार ली उससे है ना, माँ चौधरी तुम्हारी है ना, खड़े खड़े तुम्हें मुंह में दे दिया लौड़ा अपना अर्णब गोस्वामी ने, तो यही हुआ है एक्चुअली। देखिए सिंपल सी बात यह है कि जिनके मन में चोर होता है वही भागते हैं, वरना सीबीआई की इंक्वायरी की भीख मांग रही थी रिया चक्रवर्ती, है अमित शाह जी को चिट्ठी लिख रही है जी रिया चक्रवर्ती जी, प्लीज जी वो कर दो जी, वो कर दो जी, सीबीआई भेज दो जी, और सीबीआई आ गई तो बेंच फिर कोर्ट में चले गए जी, सीबीआई को दूर रखो यार। ये मैंने पिछली वीडियो में सवाल पूछा था किसी गाना बताओ, वो कोई शिवसेना वालों ने सिर्फ मेरे को गालियां दी सपोर्टरों ने, जवाब किसने दिया है ही नहीं ना जवाब, क्या करें। और अब महाराष्ट्र की जनता भुगत रही है, कभी सोचा था हमने कि शिवसेना आएगी और आते साधु की हत्या होगी, सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये होगा, उनके सपोर्टरों की तारीफ हो रही होगी, ओ माफी उनके जो रिया के सपोर्टरों की तारीफ हो रही होगी, हैं जी रिया के सपोर्ट में लोग खड़े होंगे, इवन पॉलिटिशियंस भी, ऐसा कभी हमने सोचा था नहीं। तो हिंदू की सबसे हम लोगों में सबसे बुरी बात यही है कि हम जोरों की डाबे अपने साथ खड़े नहीं होते, हम कितने भी सही क्यों ना हो हम अपने आप को ही काटते हैं, देखते क्या होता है। लेकिन शिवसेना वालों को तो मैं एक बात और बता दूँ, हराम जादो तुम्हारा इतना बुरा दिन आएगा ठंडी के बच्चों, जो जो शिवसेना में होगा थूकता हूँ मैं उसके ऊपर, समझे। और आज से मेरे कुत्ते का नाम उद्धव ठाकरे है, समझे। माधर चौध, शिवसेना वालों सुधर जाओ, भैन के लड़ो, बीजेपी से तुमने हाथ जो कटवाए हैं अपने, तुम हिजड़े हो गए बहुत बड़े, भैन के लौड़े कहीं के। चलता हूँ दोस्तों, जय हिंद।